वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज अ वीकली व्लॉग। जो भी वीकली में जो भी मैं करने वाली हूँ रैंडम चीज, तो वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। एंड अभी मैंने सोचा है कि काफ़ी वायरल एक सतघोत ग्रत नाम से कुछ आयुर्वेदिक क्रीम वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो बनाया जाए। लेट्स चेक कि कैसे क्या होता है, क्योंकि उसको 100 टाइम हमको फेरना होता है। और एक बेसिक चीज़ जो मैंने सोची, मतलब क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा ही सतघोत ग्रत, मतलब 100 बार घोटना होता होगा, और घृत मतलब घी होता है जितना मेरे को पता है बेसिकली। तो लस्सी चेक करते हैं कैसे क्या होता है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सच में होगा कुछ कि नहीं। तो पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, क्योंकि मैं पर्सनली ये चेक करना चाहती थी, ये जो मैंने बनाया सतघोत ग्रत, कि ये एक्चुअल में काम करता है भी कि नहीं करता है, स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं। एंड ट्रस्ट में ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बच्चों जैसी स्किन हो जाएगी इसको यूज़ में लेने के बाद। और काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, अगर आपके इस फेस पे कोई निशान है पिंपल्स के, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे इससे लगाने पर। हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वर्थ इट है। इसमें ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इसको यूज़। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। तो अभी मेरे को एक वीडियो पेंडिंग है मेरी 2 महीने से, वो भी क्यों, सिर्फ उसका इंट्रो शूट नहीं किया मैंने इसके लिए। तो अभी मैं उसका इंट्रो शूट कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने थोड़ा सेटअप कर लिया। और लेट्स सी, और हाँ मेरे को आपको और दिखानी है, मेरी वो क्रीम बन गई है, बहुत अच्छी बनी है, मतलब बोरोप्लस जैसी बनी है। वो मैंने इस बॉक्स में स्टोर कर ली है, एकदम बोरोप्लस वाला टेक्सचर है, बहुत अच्छी बनी है। और मैंने अभी फेस में वो ही लगा रखी है, मतलब सी बहुत अच्छी है। अगर ज़्यादा अच्छी रही और स्किन ज़्यादा अच्छी हुई, तो मैं तो और बना दूँगी यार। और हाँ ये पूर्णिमा के दिन स्पेशली बनाई जाती है, और मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट है स्किन से रिलेटेड। और शायद मैंने इसका नाम भी गलत प्रोनाउंसिएशन किया था, इसका नाम है सतघोत ग्रत, मतलब 100 बार इसको धोते हैं घी से, तो हाँ ये बहुत अच्छी वैसे। और तांबे के बर्तन में बनाते तो वैसे भी अच्छी होती है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर भी कॉपर एंजाइम होता है जिसको ये एक्टिव कर देती है, तो इट्स वेरी नाइस। एंड देखते हैं उसके बेनिफिट्स कैसे क्या रहते हैं। अब फीक ले तो एकदम जस्ट लाइक अ बेबी स्किन, बहुत अच्छी वाली बेबी स्किन हो चुकी है। और वैसे भी मुझे मलाई लगाने का शौक अपने फेस पे, तो मैं मलाई लगाती हूँ डेली, तो अब तो ये हो गया, तो अब मैं सुबह शाम इसी को ही लगाऊंगी अपने फेस पे, अच्छा सा ग्लो। और अभी मेरे को इंट्रो शूट करना है, तो चलते हैं उसका इंट्रो शूट करते हैं। हे गाइस, द सेम डे, और आज करने वाली हूँ मैं अपना स्किन केयर। और इसके लिए मैं बहुत कम चीज़ यूज़ करने वाली हूँ, लाइक चंदन को मैं कस के, और उस पर थोड़ा सा कच्चा मिल्क और कॉफ़ी को ऐड करके अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन, ट्रस्ट मी। हाँ ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपको लगेगा कि वेस्ट ऑफ टाइम, पर इससे भी स्किन काफ़ी अच्छी होती है। बाहर के आर्टिफिशियल चंदन का पैक लेने से काफ़ी अच्छा है कि आप ओरिजिनल यूज़ में लो, और ओरिजिनल तो बेस्ट होता ही है। पर इससे ना आपके हाथों की एक्सरसाइज ही होगी, कोई नुकसान नहीं होने वाला आपका, यानी काफ़ी अच्छा और ठीक पेस्ट बन जाएगा, जो आपके फेस पे अच्छे से लगेगा। एंड मैंने इसको अपने फेस पे लगा लिया, और इसको ना 5-10 मिनट ही लगते हैं ड्राई होने में, और अच्छे से वॉश कर लो, थोड़ा सा रब करते हो, और काफ़ी अच्छा और इंस्टेंट ग्लो देगा आपके फेस पे। लुक एट माय फेस, कितना अच्छा ग्लो आ रहा है इसके से। एंड थोड़ा मिनी मेरा स्किन केयर रूटीन आपको देखने को मिल जाएगा।
थोड़ा सा फेस जेल यूज़ में लिया मैंने, और नाउ आई एम यूजिंग माय सतोत कृत, और ये काफ़ी अच्छी लाइक बोरो प्लस क्रीम बन चुकी है। ट्रस्ट में बहुत अच्छी क्रीम बनी है, ये देखो कितनी सॉफ्ट है एंड ये आपके फेस पे रियली बहुत अच्छे ग्लो करने वाली है। एंड आयुर्वेदा का इफेक्ट थोड़ा लेट होता है लेकिन काफ़ी अच्छा इफेक्ट है इसका भी। पता नहीं कौन सा दिन है, आई डोंट नो। और यहाँ मैं स्केच बनाना सीख रही थी, वो भी डॉग का, वो भी फर्स्ट टाइम। मेरे को बिल्कुल नहीं आता स्केचिंग बनाने, और पता नहीं मैं यहाँ क्या बोलने वाली थी। एंड ट्राई कर रही थी कि वो अच्छा सा कुछ बन जाए, पर बिल्कुल नहीं बना। ये पहले ही अच्छा था जब नहीं बन रहा था। मेरा वीकली ब्लॉग तो जी हाँ आपको मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी देखने को मिल ही जाएगी इस ब्लॉग में। थोड़ा बहुत मैं पढ़ भी लेती हूँ, और पता नहीं गया ही बोल रही हूँ अभी भी मैं, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा वॉइस आ रही थी तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। एंड थोड़ा बहुत तो मेरे को पढ़ना ही था। एंड लेट्स सी कंप्लीट कर लेते हैं कि नहीं करते हैं। एंड आप मेरे से डेली ब्लॉग देखो, वीकली ब्लॉग देखो, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड ग्रेट एंड आपको शायद मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।